सब्सक्राइब कीजिए कुक विद नुज़हत को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट रेसिपी के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बहुत ही मजे की चटनी बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने पुदीना लिया 2 गठियां, इसके पत्ते तोड़ लिए, 1 गठी धनिया के लिए, इसे भी हमने धो के काट लिया हुआ है। 3 टेबलस्पून मैं यूज करूंगी इसमें अनारदाना, ये देखिए इसे भी धो के हमने रख लिया। 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं, इन्हें बारीक कट कर लिए। 3 सब्ज़ मिर्चें हैं जिन्हें मैंने काट लिया हुआ है। 1 मीडियम साइज की प्याज है जिसे मैंने बारीक स्लाइसेस में काट। स्पाइसेस में हम यूज करेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून इसमें मैं नमक यूज कर रही हूँ, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट दोनों चीजें ले सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पुदीने और अनारदाने की चटनी। सबसे पहले मैं अनारदाना इस पे ऐड करूंगी, इसे हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। अनारदाना हमने अच्छे से पीस लिया, अब मैं इसमें ऐड करूंगी पुदीना, धनिया। पुदीने और धनिया को भी हम इसी तरह अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। इसके बाद इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे। पुदीना धनिया हमारा अच्छे से पीस चुका है, तो मैं यहाँ इसमें सब्ज़ी ऐड कर दूंगी, नमक मिर्च डाल देंगे और इसे फिर से हम इस तरह पीस लेंगे, लेकिन सिर्फ इतना पीसेंगे कि प्याज हमें नज़र आता है। प्याज को भी डाल के हमने हल्के हल्के से पीस लिया है। इसी तरह अब हम लास्ट में इसमें टमाटर ऐड कर रहे हैं, इनको भी हम इस तरह हल्के से पीस लेंगे और चटनी हमारी रेडी हो जाएगी। लीजिए, चटनी हमारी रेडी टू सर्व है। गर्मियों में ये बहुत मज़े की लगती है। किसी भी तरह का पुलाव आप पकाएं उसके साथ सर्व कीजिए, बहुत मज़ा देगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।